अब एक चीज मुझे याद है, मेरी बेबे और मेरी नानी हमेशा खिलाया करती थी जब हम गांव जाते थे। वो काफ़ी हद तक मतलब खजूर, गुड़, ये सारी चीज़ें सर्दियों में खिलाया करती थी। बड़ा ज़रूरी होता है गुड़ खाना, इसलिए मैंने सोचा कि खजूर, गुड़ और कई सारी चीज़ें मिला के बढ़िया लड्डू बनाते हैं कि रात को आप जब बच्चे सोने लगे या सुबह बच्चों को एनर्जी वाली कोई चीज़ चाहिए और ऐसी चीज़ जिस पे आपको विश्वास है, क्योंकि शेफ हरपाल बता रहा है, अजीब वो चीज़ आप दे सकते हैं। मैं बना रहा हूँ खजूर और चॉकलेट ओट्स के लड्डू। वाह, हम दोनों मिलके बनाते हैं जी। चलो, घी, इसमें थोड़े अखरोट, सर्दियों में बढ़िया मिलते हैं जी। चलो, अखरोट डाल दिए। अखरोट को थोड़ा सा घी में भून लेंगे ताकि ब्राउन हो जाए, फ्लेवर बढ़िया हो जाए। बस बस, ब्राउन, गैस धीमे। ओट आसरा भगवान का लेके ये हमने डाल दिया वाइट ओट्स, ये जो अब ओट्स को भी थोड़ा सा भूनेंगे, वो भी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि ओट्स जो है उनमें भी एक अजीब सी खुशबू होती है, भूनना बड़ा ज़रूरी। फाइबर, फुल फाइबर, ये लीजिए क्रंच लाने के लिए। थोड़ी देर भूनना धीमी आंच पे। वाह, फटाफट बाकी चीज़ें। हेलो जी, खजूर ढेर सारे ये डाल देते हैं। इलायची पाउडर, थोड़ी देर पैन में खजूर को चलाते हैं, वो इसलिए कि खजूर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। क्या बात, ये लीजिए खजूर, गुड़, फाइनली सर्दियों के लिए बेस्ट चीज। थोड़ी सी मिठास भी आ जाएगी, साथ साथ बाइंडिंग भी हो जाएगी। अब ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जी, ये लीजिए, अब ये गुड़ जो है लगभग लगभग मेल्ट हो गया है, बढ़िया। ये देखिए, अब इसे मैं बोल में निकाल लेता हूँ एक। अब इसमें जितनी गर्माहट है उससे गुड़ मेल्ट हो जाएगा। चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, ये डाल लेते हैं, बच्चों की मनपसंद चीज़। अब इससे जो है बाइंडिंग और भी बढ़िया मजबूत हो जाएगी। थोड़ी सी आपको लगेगी घबराहट शुरू में, अरे ये तो जी बाइंड नहीं हो रहा है, क्या होगा। ये देखिए बाइंडिंग हो गई जी, बढ़िया। बहुत गर्म है इस वक्त, जैसे ही ठंडा हो तो आप ना किचन से सबको बाहर कर देना, क्योंकि आप जब लड्डू बनाने जाएंगे तो बचेगा कुछ, गारंटी मैं दे रहा हूँ। एक मैं बना लेता हूँ, ये देखिए बढ़िया, और ये जो बना लिया ये मैं खा लेता हूँ। ध्यान से इंग्रेडिएंट नोट कर लें, बड़ी सिंपल है लेकिन सर्दियों के लिए बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा। Food, food, it's sizzling.